हाय गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। हमने आपने अगर हमारा अग्रा डॉग शो का वीडियो देखा होगा, वहां पर हम बाहुबली हमने आपको दिखाया था। तो आपकी डिमांड के साथ हम बाहुबली के आज घर आ गए हैं और उनके ऑनर ये हैं उनके। हाय सर, बताइए। हाय गाइस, गौरव कपूर, मैं गुड़गांव से हूँ, NCR सोना रोड। गाइज, वीडियो देखने से पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारे लगभग 20-22 प्रोडक्ट हैं, जिसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक। अगर आपके डॉग में कैल्शियम की कमी है, एनर्जी की कमी है, डॉग मोटा नहीं हो रहा, बॉडी स्ट्रक्चर, हेड बड़ा करने के लिए, ग्रोथ के लिए, सब कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या होता है, कृपया कर www.bholashola.com पर जाकर आप ऑर्डर कीजिए। हम घर बैठे ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया से बाहर भी डॉग के हर प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी ऐप है, एंड्रॉयड फोन, आईफोन दोनों पर भोला शोला के नाम से ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारी वीडियोस वहां पर हैं। और एक आपसे निवेदन ये है, बहुत सारे फ्रेंड बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि उनको हमारी वीडियोज या लाइव सेशन का नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आपको करना क्या है, दोबारा यूट्यूब पर जाइए, एक बार वहां पर ऑप्शन जो है बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर जाकर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो हर लाइव सेशन का आपके पास नोटिफिकेशन जाइए। तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमारी कस्टमर केयर टीम 8289088895 आपकी सेवा में हाजिर है, वर्किंग डे में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो कृपया कर अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज, कोई भी डॉग के रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंक्वायरी है, तो हमारी कस्टमर केयर टीम के साथ संपर्क कर सकते हो। बाकी फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे आपको बाई करना है। अगर ऑर्डर करने में कोई दिक्कत है तो भी नंबर हमारी कस्टमर केयर टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कीजिए, हम आपके ऑर्डर के वेट कर रहे हैं। और आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल गाइडलाइन, साफ सुथरा प्रोडक्ट आपके घर में बिल्कुल पैकिंग बंद आप तक पहुंचेगा। और हमारा और भी ऑर्डर Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल है, लेकिन आप हमारे सपोर्ट के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप में आइए और वहां पर हमें ऑर्डर कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू। स्टार्टिंग पैशन से स्टार्ट हुआ, प्रोफेशनली वाइज आई एम पायलट, फ्रेंच मास्टर्स मेरे पास 4 से 5 हैं, एंड ये ब्रीड में घुसने के बाद ऐसा लगा कि इनसे बढ़िया ब्रीड कोई है नहीं। Normally known as dog the bulldogs, very frankly known in India as French Masters. मैं पहले वैसे आपके पास अभी कौन कौन से ब्रीड्स हैं, कितनी हैं, कुछ आइडिया बताइए। मेरे पास अभी फ्रेंच मास्टर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, सिज़ू है, लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है, ओके, एंड पूडल है। पूडल, या वही मैं भूल रहा था। हाँ, अभी वो बहुत मस्ती कर रहा था। गाइस, उसका भी वीडियो आपको देंगे, लेकिन पहले अगर मैं सर, हमेशा क्या होता है ना कि हम, मैं जलंधर से हूँ, हमारे भी जो अगर कोई सी कभी उनकी इंक्वायरी आती है कि मैं डॉग रखना चाहता हूँ, तो मेरे कुछ क्वेश्चन होते हैं। आपका घर कितना बड़ा है, आपका वर्किंग क्या क्या प्रोसेस है, और घर में कौन रहता है? क्योंकि आप तो दिल्ली में हो और NCR, यहाँ पर तो माना जाता है कि लोगों के पास समय और जगह दोनों की कमी होती है, और इस ये बड़े डॉग जैसे कि जायंट ब्रीडों में एक है, ये बहुत सारा टाइम मांगते हैं ऑनर का। आपका अभी कितना लंबा एक्सपीरियंस, और क्या आपने, रविंद्र जी मैं ये बोलूंगा कि डॉग बड़ा हो छोटा हो, टाइम तो हर किसी को चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज आप डॉग मत लीजिए। डॉग आप ला रहे हैं, आप एक फैमिली मेंबर लेकर आ रहे हैं, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो द डॉग इज नॉट फॉर यू। अब अगर हम फ्रेंच मास्टर पे आते हैं, ये लगते हैं बड़े, दे आर रियली हैवी, लेकिन एक मिथ बहुत बड़ी क्लियर करूं, दे कैन बी एन अपार्टमेंट डॉग्स, ओके, क्योंकि इनको एक्सरसाइज ज्यादा नहीं चाहिए होती। इनके लिए ज्यादा एक्सरसाइज बल्कि खराब है, दे जस्ट नीड अ वॉक इन द मॉर्निंग, अ वॉक इन द इवनिंग, अ कंफर्टेबल 30 मिनट्स वॉक, एंड आपका बहुत टाइम चाहिए। ये वो डॉग्स नहीं है जिनको आप चेन बांध कर ड्राइववे में बांध करके रख सकते हो, ये स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ टाइम। ये वो ब्रीड है जिसके साथ अपने आप अपने छोटे बच्चों को छोड़ सकते हैं। मेरे बच्चे इनके ऊपर चढ़ते हैं, घोड़ा गाड़ी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। आपका कहने का मतलब है कुछ ब्रीडें ऐसे होती हैं जिनका एक गाइडलाइंस होती है कि आप अपनी प्रेजेंट में ही बच्चों के साथ इनको जोड़ें, लेकिन इस ब्रीड के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट करा जा सकता है, इस ब्रीड के ऊपर ट्रस्ट करा जा सकता है। दे आर वेरी लॉयल, दे आर नॉट प्रेशियस एट ऑल, आप इनके ऊपर एकदम ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, दो रिक्वायरमेंट जरूर है पेट पेरेंट से, एक आपका टाइम, एक इनकी मेंटेनेंस। नेचुरली ये जायंट साइज है तो इनका खाना ज्यादा है,
इनकी प्रोटीन न्यूट्रिशन उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो अगर आप मेंटेन कर सकते हैं सो इट कैन बी केप्ट इन अ बिगर अपार्टमेंट, इफ नॉट डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल अपार्टमेंट। आप ये नहीं कर सकते कि आप दो कमरे का अपार्टमेंट ले एंड उस पे रखो। अगर आपके पास डिसेंट अपार्टमेंट है बड़ा जिसमें इसके रहने की जगह हो सकती है, तो इसको एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ मॉर्निंग एंड इवनिंग अच्छी वॉक चाहिए। एक और मैं बात ऐड करूं, जो मैं नीचे फ्लोर देख रहा हूं, राइट जी, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि बाहुबली को इस स्लिपरी फ्लोर से या इस ब्रीड को, आपने पहले बात एक ऐड कर दी कि सप्लीमेंट जरूर दीजिए, वो हर ब्रीड को जरूर पड़ती है जो स्लिपरी फ्लोर पर रहते हैं, तो बाहुबली जैसी ब्रीड को कितनी जरूरत पड़ी सप्लीमेंट की? सप्लीमेंट इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर पड़ेगा जी, अगर ठीक है, इनको सप्लीमेंट्स की नेचुरली जरूरत ज्यादा पड़ेगी, कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। अब आप अगर फ्लोर पे आते हैं तो ऑब्वियसली आप इनको सुबह शाम ले जा रहे हैं, बचपन से थोड़ा सा दौड़ाते हैं, अगर आप बोलेंगे इसको टाइल्स में रखेंगे इनके हिप्स में प्रॉब्लम होगी होगी, क्योंकि ये जाइंट ब्रीड्स है। ओके, तो वो मेरे ख्याल से हर डॉग के लिए लागू रहता है, हर एथलीट डॉग के लिए लागू रहता है कि आपको उनको एक्सरसाइज किसी मिट्टी में किसी ग्रास में करवानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप इनको जितना सोशलाइज करोगे उतना ये डॉग अपने फेयर फैक्टर को हटाएगा, जितना वो फेयर फैक्टर को हटाएगा वो उतना फ्रेंडली होगा बाकियों के साथ। गाइज एक मैं बात ऐड करूं, डॉग जब भी किसी के ऊपर अटैक करते हैं ना उसमें फेयर फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एब्सोल्युटली, एंड डॉग्स के बारे में कहा जाता है कि वो फेयर फैक्टर सेंस कर सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, आपकी बॉडी से एक अलग स्मेल आती है जब आप डरे होते हैं और वो स्मेल ये डॉग्स पहचानते हैं, जहां वो करते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये अगर मुझसे डर रहा है तो दैट मींस कुछ है, कुछ है, तो वो भी एक स्टेप थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। अदरवाइज आई डोंट सी एनी इश्यूज विद इट, आप बैठे हुए हैं या आराम से लेटा हुआ, इसे कोई फिक्र नहीं, इसे पता है कि ये सारे जितने सराउंड कर रहे हैं जितने बैठे हुए हैं वो डॉग फ्रेंडली लोग हैं, दे डोंट हैव अ फेयर फैक्टर विद द डॉग्स। दूसरी बात जो आपने ऐड की कि गाइस देखो दो सारी बातें क्लियर कर दी कि इसको अपार्टमेंट में रखा जा सकता है, स्लिपरी फ्लोर पर भी रखा जा सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो मेडिसिन आपने कहा सप्लीमेंट कैल्शियम सप्लीमेंट्स चाहिए होगी आपको। और बाकी रही बात, देखो मैं जब एंटर हुआ तो घर के सर के बिल्कुल घर के गार्डन बच्चे खेल रहे थे, तो वहां पर ऐसे अगर आपके है पार्क तो मच बेटर, नहीं तो रोड पर भी आप वॉक 30 मिनट्स की थोड़ा डॉग के साथ बॉल खेलना, उससे कंफर्टेबल इनकी फिजिकल एक्सरसाइज जितनी इनकी जरूरत है बड़ी ब्रीडों को वो हो जाती है। हाँ जी, अभी अगर मैं इसी के साथ, क्योंकि ये ब्रीड ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, घेर फॉल के टाइम श्रेडिंग के टाइम 10 साल में दो बार तो बाल डॉग के नए पुराने होंगे, सिंपल श्रेडिंग होती है, ऐसा कोई डॉग नहीं है जिसकी श्रेडिंग ना हो। तो ये बाहुबली, मैं बाहुबली बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को नाम बहुत अच्छा लगता है। तो बॉडी एक्स ब्रीडों के बाल बहुत ही छोटे होते हैं, आपको ज्यादा शेडिंग में टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी आपके पास किस किस ब्रीड के पप्स अवेलेबल हैं या कोई प्रेग्नेंट है कोई फीमेल? अभी रिसेंटली में हमारे पास सिज्जू का लिटर आने वाला है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा सिज्जू जो कंसीव्ड है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस एक हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड लिटर है। हमारे पास दो बॉक्सेस है जो कि एंड ऑफ मार्च एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लेटर, और एक हम अप्रैल फर्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेटर। ओके, अभी तो पाइपलाइन में यही है। तो गाइस बाकी सर के साथ अभी हम इतनी ही बातें हैं, कभी और भी थोड़ा इनका फार्म भी घूम कर देखते हैं, लेकिन अगर आपको भी कोई और ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन या हो सकता है मेरे से कोई सवाल रह गया हो आपके माइंड में हो तो हम सर का नंबर दिलाते हैं, अगर इनको फ्यूचर में आपको पप्स लेने हैं या कभी भी कोई रिक्वायरमेंट्स है तो आप इनके लोकेशन पर विजिट कर सकते हो, फार्म पर आ सकते हो, एंड पीछे वो नटखट है मेरे हिसाब से तो उसको भी दिखाते हैं। तो सर एक बार अपनी लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज। हम गुड़गांव से हैं, सोना रोड पे एज जॉयफुल जॉस, कॉन्टेक्ट नंबर है 9810808323, 9810808323। बाकी अल्टरनेट नंबर आपको एक और लिस्ट में दिख जाएगा, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, बाकी आपको थोड़ा सर के साथ थोड़ा बार विजिट करते हैं तो बाहुबली भी अभी आराम करना है। तो एक गाइज देखो, आप ये मत कहना कि हमने लीश पाई हुई इसको,
ये वैसे वेल बिहेव है, कभी कभी क्या इधर हमारी बहुत टीम बैठी हुई है कैमरे के पीछे, तो कभी कभी बहुत सारे लोग कभी कभी डरते हैं, तो वो उसके लिए ये ऐसे, अदरवाइज फार्म में कैनल में डॉग ओपन ही रहते हैं। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोबारा भी कोई आप चाहते हो किसी और ब्रीड के ऊपर या सर के साथ कुछ और बातें करना, दोबारा बताइए, हम दिल्ली दोबारा वापस आए, दिल्ली कौन सी दूर है? जरूर, बस हाँ सर अगर इंडिया में हो, क्योंकि सर ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो अगर मैं बाहर भी हूंगा तो मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। यू मोर देन वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। अदरवाइज मिस्टर रवि है, यस ये आपको जरूर एंटरटेन करेंगे। इनको जानते ना गाइस आगरा डॉग शो में, यस लास्ट वीडियो।